वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। मैं ओमवीर सिंह जनपद शामली से आज फिर हाजिर हूँ लेकर के आपके लिए कक्षा 7 रेनबो से प्रथम अध्याय थैंक यू गॉड। आइए हम उसका अध्ययन करते हैं। टी एच ए एन के थैंक, थैंक मीन्स धन्यवाद। वाई ओ यू, यू मीन्स आपका। जी ओ डी गॉड, ईश्वर, ईश्वर आपका धन्यवाद। इस कविता में ईश्वर द्वारा दी गई हमें सभी नियामतों के लिए थैंक यू बोला गया है। उन्होंने ईश्वर से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और वो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। फॉर ऑल द थिंग्स, फॉर मीन्स लिए, ऑल मीन्स सब, द थिंग्स वस्तुएं चीज़ें, सभी चीज़ों के लिए। ए आर ओ यू एन डी अराउंड, अराउंड मीन्स हमारे चारों ओर, अस, अस मीन्स हमारे, अराउंड मीन्स चारों ओर, अस मीन्स हमारे। फॉर ऑल द थिंग्स सभी चीज़ों के लिए, अराउंड अस हमारे चारों ओर। बिग एंड स्मॉल बड़ी और छोटी। फॉर ऑल द क्रिएचर्स, सी आर ई ए टी यू आर ई एस, क्रिएचर्स, क्रिएचर मीन्स प्राणी। फॉर ऑल द क्रिएचर्स सभी प्राणियों के लिए। ऑन दिस अर्थ, ऑन मीन्स पर, दिस मीन्स इस, अर्थ मीन्स पृथ्वी, इस पृथ्वी पर। शॉर्ट एंड टॉल छोटी और लंबी। फॉर द लवली ब्लू स्काई, फॉर मीन्स लिए, द लवली सुंदर, ब्लू नीले, स्काई आकाश के लिए, द सन सूर्य के लिए, द मून चंद्रमा के लिए, एंड ऑल और सभी चीज़ों के लिए। ऑलमाइटी गॉड सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान, गॉड ईश्वर। वी थैंक यू, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एंड टू यू, और आपको वी कॉल, हम स्मरण करते हैं, आपको कॉल करते हैं, स्मरण करते हैं, आपको याद करते हैं। ब्लेस, बी एल ई डबल एस, ब्लेस, आशीर्वाद दीजिए। ईच, प्रत्येक को, वन ऑफ अस, हम में से। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए। इन योर नेम एज वी प्रे, जैसे ही हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आपको याद करते हैं, आप हमें अपने आशीर्वाद से आच्छादित कीजिए। गिव अस लव, हमें प्यार दीजिए। गिव मीन्स दीजिए, अस मीन्स हमको, लव मीन्स प्यार, हमें प्यार दीजिए। काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स दयालुता, हमें दयालुता दीजिए। एंड करेज, और साहस, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। मे वी लिव इन पीस, पीस मीन्स शांति, हम, लिव मीन्स रहे, वी मीन्स हम। मे वी लिव इन पीस, हम शांति में रहे। एंड हारमोनी, और सामंजस्य से रहे। वेयर वी स्टे, जहाँ भी वी स्टे, हम रहें। गिव अस, गिव मीन्स दीजिए, अस मीन्स हमको, हमें दीजिए द स्ट्रेंथ, बल, टू सर्व, सेवा करने का, यू, आपकी। कम व्हाट मे, चाहे जो भी हो। गिव अस द स्ट्रेंथ, हमें बल दीजिए, टू सर्व, सेवा करने का, यू, आपकी। काम वाट में, चाहे जो भी हो। बी विद अस, हमारे साथ रहें, ओ गॉड, हे ईश्वर। इन वाट वी से, हम जो भी कहें, एंड डू, और जो भी करें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, इस प्रेयर के को स्वीकार कीजिए। एक्सेप्ट स्वीकार करना, दिस प्रेयर इस प्रार्थना को, इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ओ गॉड, हे ईश्वर। वी बो डाउन, हम शीश नवाते हैं, टू यू, आपको, हम आपको शीश नवाते हैं। बो डाउन, शीश नवाना। एनोनी माउस, इसमें लिखा गया है, इनके पॉइंट हैं, पॉइंट अज्ञात। एनोनी माउस मीन्स, एनोनी माउस मीन्स होता है अज्ञात। ये हमारी कविता थी, बहुत सुंदर कविता, जिसमें हमने गॉड को थैंक्स कहा है उनके द्वारा दी गई चीज़ों के लिए। सभी बच्चों को इसे अच्छे से तैयार करना है। अपनी जो हमने पीडीएफ आपको दी है, उस पीडीएफ में देखते हुए यदि आपके पास किताब नहीं उपलब्ध है, तो इस पाठ के आधार पर आप अपने पाठ को तैयार कीजिएगा। अभी हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर को करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं।
और फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आइए कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन को देखते हैं। पहले पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर मीन्स उत्तर दीजिए द फॉलोइंग आगे दिए गए क्वेश्चंस, प्रश्नों का, आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट आर, व्हाट मीन्स क्या, आर द थिंग्स विच चीज़ें हैं, फॉर विच जिनके लिए, वी शुड हमें चाहिए, थैंक गॉड ईश्वर को धन्यवाद देना, वे कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, वे कौन कौन सी चीज़ें हैं, वे चीज़ें हैं वी शुड थैंक गॉड। आंसर लिखते हैं इसका, वी शुड थैंक गॉड फॉर, अभी हमने पोयम में पढ़ा है, पर ये पोयम जो है हमारी प्रेयर है, प्रार्थना, फॉर ऑल द थिंग्स, वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, फॉर ऑल द थिंग्स सभी चीज़ों के लिए, अराउंड अस जो हमारे चारों ओर है, जैसे एज द सन, द स्काई, the moon, and all the things of universe. एटसेट्रा हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर वी आस्किंग, हम क्या मांग रहे हैं गॉड, प्रभु से, ईश्वर से, टू गिव अस, हमें देने के लिए, हम ईश्वर से देने के लिए क्या मांग रहे हैं, वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस क्या क्या, काइंडनेस, दयालुता, करेज। आंसर लिखेंगे सेकेंड के लिए, आंसर वी आर आस्किंग, यहीं से ले लेंगे हम, वी आर आस्किंग, to give us kindness, courage,
एंड लव। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मींस। व्हाट डज लिव एंड पीस, लिव इन पीस एंड हार्मनी, हार्मनी और शांति में रहने से क्या अभिप्राय है, इसका आंसर लिख रहे हैं। लिव इन पीस एंड हार्मनी mean we should not fight with others, we should not fight with others but We should cooperate, हमें सहयोग करना चाहिए, but we should cooperate with others चौथा क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ, कवि बल क्यों मांगता है। तो हमने कविता में पढ़ा, कवि बल क्यों मांग रहा है, गॉड की सेवा करने के लिए, टू सर्व द गॉड। लेकिन आंसर लिखेंगे हम, द पोएट wants strength to serve God.
आज का क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोयम, कविता में शब्द ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है। तो द इसमें आंसर लिखेंगे इसका, द वर्ड Almighty mean the god, the god who is द गॉड हु इज ओमनीपोटेंट, जो सर्वशक्तिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, कंप्लीट द गिवन स्टेंजा, पूरा कीजिए, कंप्लीट मीन्स पूरा कीजिए, द गिवन स्टेंजा दिए हुए पद्यांश को फ्रॉम द पोयम कविता से, फॉर ऑल द अराउंड अस, तो इसके बीच में क्या आ रहा है हम अपनी किताब में देखते हुए भर सकते हैं इसको। कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोयम, कविता से दिए गए हुए वाक्यांश, कविता के आधार पर दिए गए हुए पद्यांश जो हमारे दिए गए हैं उनको इनमें इन रिक्त स्थानों को में भरना, फिल इन, कंप्लीट करना है, पूरा करना है इनको। फॉर ऑल द क्या, थिंग्स अराउंड अस, कविता में क्या पढ़ा हमने, थिंग्स, हम इनके जो रिक्त स्थान है उनको रेड से भर रहे हैं। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, कौन सी, बिग एंड स्मॉल। और क्या है, फॉर ऑल द क्रिएचर ऑन द अर्थ, क्रिएचर ऑन द अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, फॉर द लवली ब्लू स्काई, एंड द सन, द मून एंड ऑल, गॉड ऑलमाइटी। We thank you. And you, and to you we call. Next हमारा आता है word power. Fill in, भरिए the letters, अक्षरों को, वर्णों को to फॉर्म बनाने के लिए मीनिंगफुल अर्थपूर्ण वर्ड शब्द इन द पोयम कविता में। पहला वर्ड आता है हमारे सामने आर, स्पेस दिया हुआ है, एच स्पेस दिया हुआ है, आर एम फिर स्पेस है, एन और वाई, तो क्या बनेगा ये, हार्मनी, एच
ए आर एम ओ एन वाई। लास्ट वर्ड आता है हमारे लिए के स्पेस एन डी स्पेस स्पेस और डबल एस, क्या बन गया काइंडनेस, के आई एन डी एन ई डबल एस। सभी बच्चे ध्यान से देखें, सी नया तीसरा वर्ड आ गया हमारा पी स्पेस ए स्पेस ई, तो क्या बन गया पीस, पी ई ए सी ई, पीस मीन्स शांति। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सी स्पेस ई स्पेस टी स्पेस आर स्पेस, तो क्या हो गया क्रिएचर, सी आर ई ए टी यू आर ई क्रिएचर प्राणी। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सी ओ स्पेस आर स्पेस जी ई, तो ये वर्ड बन गया हमारा क्रेज साहस, सी ओ यू आर ए जी क्रेज साहस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए स्पेस एम आई स्पेस स्पेस टी स्पेस, तो क्या हो गया ऑल माइटी सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट ईश्वर की बात हम कर रहे हैं, ए एल एम आई जी एच टी वाई ऑल माइटी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, इसको आप अच्छे से अभ्यास करेंगे, सभी बच्चे अपने इस काम को स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए चैप्टर के साथ।